सो आज हम पढ़ेंगे 13 अक्टूबर की न्यूज़ पढ़ेंगे. वी विल कवर द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ 13. कल जो हमने पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा बहुत जो एमसीक्यूज के माध्यम से. एक एग्रीमेंट है, एसीएसए एग्रीमेंट, जो बेसिकली एक बायलेटरल एग्रीमेंट है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स और नाटो के बीच में हुआ है. सो इट्स समथिंग विच इज़ कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट है जो कि आरबीआई ने किया था और ये आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है. ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है ये बेसिकली इंडिया ने स्विट्ज़रलैंड के साथ किया है ताकि वहाँ के कालाधन जो है हमें पता चल सके. और ये दिल्ली एग्रीमेंट बहुत पुराना है, सो फॉर टुडेज़ परस्पेक्टिव इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. 1973 की बात है, इंडिया बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में ये हुआ था जिसमें बांग्लादेश ने इसको रेक्टिफाई नहीं किया. सो इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट दीज थ्री एग्रीमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट चलते हैं अपन इलेक्शन कमीशन की बात करें तो अपन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है सबसे पहले केरला के अंदर अप्लाई किया गया था 1960 के अंदर. सो इट्स नॉट दैट समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, बट पॉलिटिकल पार्टीज़ को पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है इसके अंदर और कुछ भी नहीं, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट चलते कन्याश्री स्कीम की अपन बात करें तो ये वेस्ट बंगाल के अंदर लगाई गई है और यूनिसेफ और यूनाइटेड किंगडम है आपका, उसने इसकी काफ़ी तारीफ करी है. इसमें क्या होता है कि जो 18 साल से जो कम की जो गर्ल्स हैं और जो स्कूल जाती हैं जिनकी शादी नहीं हुई है उनको कैश ट्रांसफ़र उनके खाते में कर दिया जाता है. सो इट्स अ वेरी गुड थिंग. इसके अलावा अपन चलते हैं आर सी पी आई एस में पूछा गया क्वेश्चन है. इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कौन सी कंट्रीज़ आती हैं और उनका जो जियो कोऑर्डिनेट्स है वो कहाँ कहाँ पे, लेफ्ट टू राइट एंड ऑल, सो विच इज़ इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट चलते हैं आपका कल की न्यूज़ में अपन ने पढ़ा था कि ट्रोपोस्टेट और मैसो जो लेयर्स होती हैं उसके अंदर ओजोन कहाँ पाई जाती है, मेटोर्स कहाँ पाए जाते हैं. जैसे मेटोर्स जो होते हैं वो मैसो लेयर के अंदर होते हैं. सो दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, यू शुड नो बेसिक साइंस. तो कल की न्यूज़ में पढ़ सकते हैं उसको. ये कन्वेंशन है टेररिज्म को लेकर के जो कि इंडिया ने प्रपोज़ किया था 1996 के अंदर, पर अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है पूरे वर्ल्ड लेवल पे. नेक्स्ट चलते हैं मोदी जी ने अभी एक सी डी आर आई मतलब कॉलिशन फॉर दी डिज़ास्टर रेसिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है मोदी जी ने. ये अभी यूनाइटेड नेशन का जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पे इसको मोदी जी ने लॉन्च किया है. इंडिया जो है इसका फाउंडिंग फादर है ऑफकोर्स, क्योंकि इंडिया ने ही इसको लॉन्च किया है. पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं है और इस ये जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम को सपोर्ट मिलेगा आपको यूनाइटेड नेशन का जो एक क्लाइमेट का एक फंड है, ग्रीन क्लाइमेट फंड, उससे इस कोएलिशन को फ़ायदा मिलने वाला है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट चलते हैं इलास्टो कैलोरिक इफेक्ट क्या होता है. ये जो कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है आपको जो रेफ्रिजरेटर वगैरह जो होते हैं उनके अंदर, तो इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट यू शुड नो एट लीस्ट बेसिक साइंस. यूनाइटेड नेशन की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट जीव होते हैं और उनके कुछ कैटेगरीज उनको दी गई है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे जो पेंगुइन होते हैं एम्परर पेंगुइन, उनको नियर थ्रेटेंड, पहले वो वनरेबल थे पर अभी उसको हाल ही में इसको नियर थ्रेटेंड घोषित कर दिया गया है. गैंगेटिक डॉल्फिन जो है वो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है और जो इंडियन वल्चर्स हैं वो क्रिटिकल एंडेंजर्ड हैं और जो ब्लैक डक है वो लीस्ट कंसर्न है. सो इन सब के स्टेटस आपको पता होना चाहिए, इट्स काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट चलते हैं सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यूज़. सिंगापुर ने क्या किया है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस. सेंट्रल नोडल एजेंसी बनाया गया है बीई को, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को, फॉर द इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स. सो ये आपको ध्यान रखना है कि चार्जिंग स्टेशंस के लिए, सो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद अमिताभ कांत जो है उनको प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज जो है उसके लिए कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, सो इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. दीज टू थिंग्स आर समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट अपन चलते हैं इसके अंदर धर्म गार्डियन एक्सरसाइज होती है जो कि जापान के साथ करते हैं. हैंड हैंड एक्सरसाइज होती है इंडिया चाइना के साथ करता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हरियाली ऐप क्या आती है, नॉट इम्पॉर्टेंट. हैंसेंग जो थे वो बेसिकली कांचीपुरम में आया था और बेसिकली पल्लव जो एक राजा था नरसिम्हा राव प्रथम उसके टाइम पे आया था. जियो टेल क्या होती है कि स्पेस के अंदर एक जगह होती है जो कि सूरज और पृथ्वी के मध्य का एक रीजन होता है. ऑपरेशन स्पेस पीस स्प्रिंग आईएएस में एक तरह का अरब स्प्रिंग इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो ये टर्की ने लॉन्च किया है बेसिकली फॉर द सीरिया बॉर्डर के आसपास जो पीस को एस्टेब्लिश करने के लिए. सो लेट्स सी व्हाट हैपन.
भीमबेटका की हम बात करें तो भीमबेटका में आपको तीनों प्रकार की साइट्स मिल जाती हैं, जो कि विंध्या रेंज आपके भोपाल और होशंगाबाद के आसपास में। यहाँ पे बहुत सारे केव्स मिलती हैं आपको, यहाँ पैलियोलिथिक, कैल्कोलिथिक और मेसोलिथिक टाइप के आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे मोस्ट जो आपकी पेंटिंग्स है वो मेसोलिथिक पीरियड्स की हैं। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट चलते हैं डांस की अपन बात करें तो एक ऐसा डांस है जो कि देवदासी प्रथा से स्टार्ट हुआ था, वो है भरतनाट्यम। देवदासी प्रथा काफ़ी न्यूज़ में रहा है। इसको अपन दासी अट्टम भी कहते हैं क्योंकि दासी द्वारा किया जाता था शायद, इस वजह से। रत्नावली किसने लिखी? हर्षवर्धन टाई के टाइम पे लिखी गई थी, और विक्रमोर्वशी जो है कालिदास ने लिखी थी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। नेक्स्ट चलते हैं सरी सरीपुत्र प्रकरण। सरीपुत्र प्रकरण जो है एक ड्रामा है संस्कृत का, जो कि आपके अश्वघोष द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है शूद्रक। शूद्रक जो है मरीच कटिका द्वारा जो है लिखा गया था। अच्छा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है मोहिनीअट्टम और कथकली में क्या डिफरेंस होता है? अगर आप देखेंगे तो जो आपकी कथकली होती है, कथकली के अंदर सत्व, रज और तम तीन प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और सबसे अच्छी क्वालिटी जो होती है मोहिनीअट्टम के अंदर आप देखोगे तो वो होती है कि उसमें किसी भी प्रकार का लीप या एब्रप्ट जर्क, मतलब ऐसे सडन मूव या ब्रेक डांस जो होता है ना, वो उस तरह का ब्रेक डांस नहीं होता है इसके अंदर। बड़ी ही स्मूथ जो होती है, एक जगह से एक स्टेज से दूसरे स्टेज में ट्रांजेक्शन होता है। गटका जो होता है वो पंजाबी मार्शल आर्ट होता है, सिख कम्युनिटी में काफ़ी फेमस है ये। आई थिंक यू हैव सीन दिस। सो दिस इज़ आवर न्यूज़ फिनिश। थैंक्स।